आंखों देखी। पलायन से वापस लौटे श्रमवीरों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने एवं राज्य में मौसम अनुकूल खेती तथा टिड्डियों के संभावित खतरे की रोकथाम हेतु बिहार के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विचार विमर्श किया तथा आवश्यक निर्देश दिया। सरकार में हमारी वहाँ बोल रहे थे कृषि वैज्ञानिक खगड़िया और जहानाबाद, तो खगड़िया और जहानाबाद कृषि वैज्ञानिकों ने जिस बातों पर चर्चा की है जा सकते मुझे काफी अच्छा लगा जा सकते और अच्छा पहल अच्छा प्रयास है। हम चाहेंगे विजी साहब से कि माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया है और उसमें मखाना को प्रमोट करने की बात उन्होंने कही। आप जानते हैं कि 85% मखाना का उत्पादन बिहार में होता है और 15,000 हेक्टर में खेती होती है और बिहार का मखाना पूरा दुनिया। गया जिलाधिकारी श्री अभिषेक सिंह ने डुमरिया क्षेत्र की छात्रा मधुबाला को दी शुभकामना संदेश। मधुबाला ने बिहार राज्य में मैट्रिक की परीक्षा में प्राप्त किया 10वां स्थान। मैं 471 अंक के साथ बिहार में 10वां स्थान प्राप्त की हूं और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के सभी शिक्षकगण और अपने अंकल को देना चाहती हूँ। इमामगंज प्रखंड के झिकटिया पंचायत के ग्राम छोटका मनगांव वार्ड नंबर 14 में नल जल खराब होने के कारण ग्रामीणों को मजबूरन कुएं का दूषित पानी पीना पड़ रहा है। हालांकि इसकी सूचना वार्ड सदस्य और मुखिया को दी गई लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। नल वाला इससे पहले आता था तो फिर कुआं से पानी भरती थी उसके बाद भी। जजीरा एयरवेज सेवा की विमान द्वारा कुवैत से गया पहुंचे 151 प्रवासी यात्री सभी बिहार के हैं। एयर इंडिया विमान द्वारा ढाका से गया पहुंचे 170 प्रवासी यात्री सभी बिहार के रहने वाले हैं। गया जिले के जनता दलियों के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अलेक्जेंडर खान वैश्विक महामारी के दौरान कॉल के माध्यम से प्रखंड अध्यक्षों से क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। आंखें देखी।